तेलंगाना के नारायणपेट की साड़ियां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनको बनाने वाले बुनकर बदहाली में जीने के लिए मजबूर हैं। सरकारों ने वायदे तो बहुत किए, लेकिन कभी उनके दुख को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जो दूसरों के लिए बुन रहा है, वो बिन सुविधाओं के मौत के कगार पर खड़ा है। कहानी है तेलंगाना के नारायणपेट की, जहां के कोटकोणा गांव के बुनकर आयुष्मान योजना के लागू ना हो पाने और राज्य सरकार द्वारा कोई मदद मुहैया ना करा पाने के कारण बेहाल हैं। ये कृष्ण वेणी हैं, जिनके सिर से बुनकर पिता का साया पहले ही उठ गया था। माँ चंद्रिमा ही घर को हैंडलूम से चला रही थी, लेकिन पिछले साल 10 सितंबर को वो भी साथ छोड़ गई। उम्मीद थी कि राज्य सरकार की निथन्ना बीमा योजना से सहायता होगी, लेकिन अभी तक एक ढेला नहीं मिला। हैंडलूम में हमें बहुत दिक्कत है। मेरे माता पिता इसी काम को करते हुए मर गए। हमें कोई भी सहायता नहीं मिली। इस काम में कोई कमाई नहीं है, इसलिए मेरा पति दूसरे शहर जाकर मजदूरी कर रहा है। पेट की भूख नहीं मरती, इसीलिए लाचारी के हालात में भी हथकरघा कर्मचारी बिना किसी छुट्टी के इस काम को करते हैं। कुरमैया इनमें से एक है, जिनके हाथ में दर्द रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी दो वक्त की रोटी के लिए काम में लगे रहते हैं। दसवीं के बाद मैंने अपने पिता के काम को संभाला। मेरी जिंदगी इसी पर निर्भर है। परिवार को मैं इसी से पाल रहा हूँ। राज्य सरकार से मुझे कोई सहायता नहीं मिली है। इसी काम के कारण मेरे हाथ, पैर और कमर में परेशानी हो गई। कोई इलाज नहीं मिल रहा और ना ही कोई सहायता। ये है अजम्मा, कुष्ठ रोग से पीड़ित है। हाथ और पैर सही से साथ नहीं देते, लेकिन फिर भी दूसरों के यहाँ मजदूरी करके बस पेट भर रही हैं। मेरा पति नहीं है, बेटा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरा घर भी नहीं है, रिश्तेदारों के घर सर छुपा रही हूँ। मेरी हालत बहुत खराब है, दूसरों के घर काम करके अपना पेट भर रही हूँ। साड़ी के काम को करते करते कृष्ण नैया जवानी से बुढ़ापे में प्रवेश कर गया, लेकिन इतना पैसा भी नहीं बना पाया कि एक ढंग की छत सिर पर हो। लोन लेने के लिए चप्पलें घिस दी, लेकिन लोन के नाम पर तेलंगाना में फूटी कौड़ी नहीं मिली। मैंने कई बार लोन के लिए चक्कर लगाया, ना तो मुझे लोन मिला और ना ही घर। 15 दिन हम पति पत्नी काम करते हैं और बस 2000 रुपए मजदूरी मिलती है। अपने पूर्वजों की कला को संभालने का काम करने वाले युवाओं के सपने भी अब इस काम से टूट रहे हैं। वो सब्सिडी लोन आया ना, वो क्या, वो उसको अप्लाई करने को उसमें मुश्किल आता। वो साइट नहीं काम करता अच्छा, ऐसा वो कुछ नहीं मालूम। ऐसा बीच बीच में वो काम बंद होता, करने का गए तो भी ऐसा। हैंडलूम का काम करने वाले कुछ घरों की ये कहानी काफी हृदय विदारक है। हर घर किसी न किसी सहायता की आस में दिन गुजार रहा है और उम्मीद कर रहा है कि चुनावों के समय किए गए वायदों के आधार पर सत्ता में आई सरकार उनकी सुध एक दिन जरूर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।